डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका का हम लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। पार्ट वन में हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पार्ट टू में हमने निबंध प्रारंभ कर दिया संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, और अब हम पार्ट थ्री में चल रहे हैं। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 72 पर आप सभी लोग आ जाइए। झूठो है झूठो है झूठो सदा जग संत कहत है जे अंत लहा है जान पने को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, ऐसा तुलसीदास ने कहा। और यहाँ पर हमने पार्ट टू को छोड़ा था जहाँ से प्रारंभ कर रही हूँ। सूरदास की गोपियाँ जब योग को कोसती है, देखो कितनी बढ़िया मज़ेदार बात है कि सूरदास की गोपियाँ जब योग को कोसती, जब उद्धव उन गोपियों को कहते हैं कि तुम योग को धारण करो, प्रेम को छोड़ दो, क्या प्रेम के पीछे पड़ी हुई हो, तो क्या करती हैं, जिस योग की शिक्षा उद्धव देते हैं उस योग को वो बुरा भला कहती, कोसती मतलब बुरा भला कहती है। तुलसी की ग्राम वधुएं जब सीता से पूछती है कहो सांवरे से सखी रावरे को है, मतलब ये तिरछे नैन करने नैन करके जो सांवरे से सलोने से रूप के हैं ये तुम्हारे कौन है, देखिए प्रेम की कितनी बहुत तरीके से सराहित करके उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जब मीरा विफल होकर गाती, विफल होकर मतलब दुखी होकर, असुवन जल सांची सांची प्रेम बेली बोई, तब संत साहित्य की धारा मानव प्रेम की ही प्रतिष्ठा करती है, वह इसी संसार में मनुष्य के परस्पर सुखद संबंधों को गौरवान्वित करती है। संत साहित्य की प्रबल धारा ने समाज के ऐसे स्तरों को जगाया जो सबसे पीड़ित थे और संस्कृति से वंचित थे। अछूत और नीच कहलाने वाले लोगों में संतों का जन्म हुआ। इन सब लोगों के लिए न मंदिर में जगह थी न मस्जिद में, इनका निरूढ़वाद मंदिर मस्जिद वेद पुराण और कुरान के विरुद्ध चुनौती बनकर आया। वे मंदिर मस्जिद की सीमाएं नहीं मानते हैं, भले ही इनका द्वार उनके लिए बंद हो वह अपने हृदय में साहब का दर्शन कर लेते हैं। संत साहित्य इन पीड़ित जातियों का क्रोध अच्छी तरह प्रकट करता है। सदियों का दबा हुआ सम्मान, सदियों का संचित अपमान कड़वी उक्तियों में फूट पड़ता है। भले ही उन्होंने उपदेश दिया हो ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तुलसीदास ने अपने विरोधियों के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है देखिए वे कितने शीतल हैं। ऊपर गंवार महा है कि उक्ति एक मिसाल है, कबीर का तो कहना ही क्या। हिंदू और मुस्लिम होने का दंभ करने वालों पर, ब्राह्मण और ऊंची जाति का होने पर गर्व होने वालों पर उन्होंने क्या क्या वार किए। साधो पांडे निपुण कसाई बकरी मारी भेड़ी को धाए दिल में दर्द न आए। संत साहित्य हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाने वाला, उनके धार्मिक कट्टरता की कटु आलोचना करने वाला, जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेद मिटाने वाला साहित्य है। सामंती समाज में पुरोहितों ने नारी मात्र को संस्कृति के चौके से बाहर कर दिया था। बहुत दिनों के बाद नारी ने इस चौके की सीमाएं तोड़कर साहित्य के क्षेत्र में पैर रखा। मध्यकालीन भारत में नारी जागरण की प्रतीक अमर गायिका मीरा है। संतों ने नारी को साधना में बाधक समझा, लेकिन सूर तुलसी चंडीदास आदि कवियों ने उसके प्रति संवेदना प्रकट की और उसके प्रेम और सौंदर्य के गीत गाए। संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य है। यह जातीय चेतना भाषा प्रेम के रूप में प्रकट होती है। संत कवि संस्कृत और फारसी की तुलना में भाषा के रस की प्रशंसा करते हैं। दिल्ली दरबार के खिलाफ भारत की जातियों ने जो संघर्ष किया उससे संत साहित्य का निकट संबंध था। संत कवियों ने दरबारी वीर रस का मार्ग छोड़कर प्राचीन महाकाव्यों के आधार पर वीर भावना का संचार किया। इसी उद्देश्य से मराठी के संत कवि समर्थ गुरु रामदास ने सुंदरकांड और युद्धकांड की रचना की थी। तुलसीदास को धनुर्धारी राम इसलिए प्रिय हैं, स्वामी रामदास ने दास बोध में सैन्य संगठन और किलेबंदी पर भी रचनाएं की हैं, पर सब संत साहित्य के जातीय पक्ष का प्रमाण है। संत साहित्य ने कलात्मक सौंदर्य को और विकसित किया, उनकी कला का मूल आधार लोक संस्कृति थी। तुलसी और जायसी की चौपाइयाँ, कबीर के दोहे और साखियाँ, मीरा के भजन जनता के अपने साहित्यिक रूप थे। संत कवियों ने अपनी ही गेयता माधुर्य और सरलता से दरबारी साहित्य को परास्त कर दिया। आज गुण में भी कोई दरबारी कवि उनका मुकाबला नहीं कर सकता, उनके रूपक और उपमाएं अनूठी है। विशेषकर तुलसीदास में थोड़े से शब्दों में विराट चित्र देने की
अपूर्व क्षमता है, यही कारण है इन कवियों के सैकड़ों पंक्तियां जनता के कंठ में बस गई और उसके लोक संस्कृति का अंग बन गई। संत साहित्य की यह ऐतिहासिक भूमिका है कि उसने सामंती बंधनों का विरोध कर सहज मानवता की प्रतिष्ठा की। उसने जनता की जातीय और जनवादी चेतना को पुष्ट किया। उसके क्रोध, आशा और विजय कामना को वाणी दी। संत साहित्य अंग्रेज साम्राज्यवादियों का यह दावा झूठा साबित करता है कि जब वे भारत में आए तब यह देश असंस्कृत था। संत साहित्य हमें वह जनवादी आधार देता है जिस पर नई संस्कृति, नई जन संस्कृति का प्रसाद बनाया जाए, ऐसी संस्कृति का जिसका उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है।